हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मामला। तो बज रहे हैं 5 और मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। अब मैं फटाफट बनाऊँगी अपने जो रोट चढ़ानी है वो, तो मैं फटाफट अब बना लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल रात को ही मैंने भिगा दिया था थोड़ा सा चना और मटर, जो कि रोट जो मेन रोट होता है प्रसाद, ये वो हो जाएगा। इसके अलावा रहेंगी जो पूजा सामग्री होती है, जिससे भगवान जी की पूजा होती है, जो मैंने सुबह भी ली हुई थी, जैसे अगरबत्ती, फूल, माला वगैरह वगैरह, वो सब। 5 भले ही बज रहा है लेकिन बाहर इतना अंधेरा है ना, जैसे लग रहा है कि अभी बहुत रात है। तो मैं सोची हूँ मैं पूजा करने जाऊँ जब उस समय थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा है। देखते हैं, उजाला हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ऑलमोस्ट मेरी सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी हलवा, तो मैं इसी घी में फटाक से हलवा भी बना लूंगी। हलवे में आटा और थोड़ा सा गुड़ और देसी घी, आटे का हलवा बनेगा। तो जो गुड़ है, यहाँ पे गुड़ होता है गुजरात में वाइट, जिसमें सोट पहले से मिला होता है, तो ये जो हलवा होता है बहुत टेस्टी हो जाता है। हलवा हो गया मेरा रेडी। अब मैं अपना जो पूजा की थाल है रोट वाली, वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाई हैं 7 जोड़ी पूड़ियाँ, उनके ऊपर मैं रखूँगी अभी हलवा। अभी मैं पहले मटर और चना जो है वो थोड़ा थोड़ा रख ले रही हूँ, फिर मैं इसके ऊपर रख दूँगी थोड़ा थोड़ा हलवा। हाथ में कैमरा देखा तो उसको ये लग रहा है कि किसी का फोन आया है, तो इसीलिए वो हाउ हाउ कर रही है। लेकिन लाइट है ना। पीछे जाना है, चलो। अरे पानी भरा है।
पानी पूछ के थोड़ी भर आएगा। सारी तू बड़े इधर से क्यों आए लेकिन? हाँ खोलो, खुल जाएगा। चलो तुमको तो माफ है जितना उतना। अरे भाई क्या तुम बड़ी भारी हो, जा महिला घूम जा। मम्मा पूजा कर रही है तो इधर नहीं देखेंगे हम। मम्मा बैठी तो हैं। क्यों गोदी गोदी चाहिए? चढ़ाना है ना, पता नहीं है कोई। ये पॉलिथीन तेरे दुकाने की खराब हो गई। तुम कहाँ जा रही हो टंकी? या तुम भी पैर छू लो। वो तो नहीं चल लेती हाँ। करेगा
बंद कर दूं? तो बाहर मंदिर में पूजा करके आ गई हूँ मैं। अब मैं कर ले रही हूँ घर में पूजा। मैंने बहुत लोगों का सुना हुआ है कि वो बिना चाय पिए ही रात को ही अपना व्रत का स्टार्टिंग कर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रात को चाय पी लेते हो ना, अगर आप चाय लवर हो कि आपको दोनों टाइम चाय चाहिए, तो आपको जो चाय की नीड होती है ना वो बहुत कम, बिल्कुल ऐसे लगता है कि फील ही नहीं होती कि आपको चाय पीनी भी है। तो जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था भगवान जी को, अब मैं वो प्रसाद खा ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग में यही होता है कि जो आप प्रसाद चढ़ा के आते हो, आप जो मटर लीलना होता है बिना चबाए, तो उसको लीलने के बाद सबसे पहले प्रसाद खाना होता है। हाय गाइस, हो गया मेरा ब्लॉग पूरा फिनिश। तो तीज का ब्लॉग मैंने पूरी तरीके से आप लोगों से शेयर किया। तो सुबह की पूजा भी हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुबह की पूजा आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आपने देखा उतनी दूर जाना, फिर कैमरा लेके जाना, फिर वहाँ पे रिकॉर्ड करना, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता। पर अचानक से सानू उठ गई तो दीदी आई थी नीचे, तो दीदी ने सूट कर दिया मेरा ये वाला भी पूजा जो कि मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया। तो जानती हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्किप करते करते भी ब्लॉग हो गया है थोड़ा सा बड़ा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैंने सोचा चाय से ही स्टार्ट किया था ब्लॉग का, तो चाय से ही एंडिंग करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।